में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने मरने के बाद क्या होता है हमारी आत्माओं को कभी ना कभी सोचा है? कितने लोग हैं ऐसे जिनके मन में कभी ना कभी ख्याल आया है मृत्यु के बारे में? मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपका मन कर रहा है कि हम मर जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया हो कि यार मर ये जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है? कितने लोगों ने कभी ना कभी सोचा है? हम सब सोचते हैं इसके बारे में. आपको मालूम है एक बहुत साल पहले एक पर्टिकुलर समाज था, उस समाज में ये सोच थी कि हम जब अपने प्रियजनों को दफनाते हैं तो वो दोबारा जन्म लेंगे कहीं ना कहीं पे, या वो दोबारा जीवित हो जाएंगे, तो इसलिए वो उनको बड़े अच्छे से मसाले लगाकर रखते थे कि उनका शरीर लंबे समय तक उनका शरीर मिट्टी में मतलब गले ना, ये वो सोचते थे. एक ऐसा समाज था बहुत पहले जो अपने प्रियजनों को दफनाते थे तो दफनाने के समय उसके सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, थोड़ा सा पानी या उसके कपड़े, कुछ कुछ चीज़ें साथ में दफनाते थे एक्चुअली, कि इसकी इसको ज़रूरत पड़ सकती है अगले जन्म में. बहुत लोग हैं जो मरने के बारे में मतलब मरने के बाद क्या होता है इसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, और पूरे इतिहास में अब तक लोगों ने बहुत बहुत ख्याल लगाए हैं, बहुत बहुत तरह की सोच है, विचारधारा है, अलग अलग तरीके से लोग इन अलग अलग बातों पर विश्वास करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है. हमारे देश में जो सोच बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो ये मानते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में से उसी वक्त निकल जाती है और किसी और महिला की कोख में हम उत्पन्न हो जाते हैं. उसी वक्त हमें एक नया 84 लाख योनियों में से एक आधा रूप हमें मिल जाता है. वो रूप कोई सा भी रूप हो सकता है, विश्वास करते हैं लोग ऐसा कि अभी तो हम मनुष्य के रूप में धरती में हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा जीवन खत्म होने के बाद हम किसी और रूप में वापस आ जाएंगे, किसी और, अगर मनुष्य है तो किसी और महिला के उसमें आ जाएंगे, वरना कोई ना कोई रूप हम ले लेंगे. लोग इस तरह विश्वास करते हैं, और ये सब कुछ निर्भर करता है, वो ये सोचते हैं हमारे कर्मों के ऊपर. अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा रूप मिलेगा, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो बुरा रूप मिलेगा. लेकिन वो यही विश्वास करते हैं आत्मा को तो शरीर चाहिए, तो जैसे ही हमारा शरीर खत्म हो जाएगा हमारी आत्मा निकल के किसी और के अंदर चली जाएगी और हम किसी और रूप में हम आ जाएंगे. लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं. मसीही लोगों में एक कैथलिक नाम के लोग होते हैं, जैसे हम लोग बाइबल के ऊपर अनुसार चलने वाले लोग हैं, उसी प्रकार कैथलिक एक लोग होते हैं, वो अपने आप को मसीही कहते हैं. प्रभु यीशु पे विश्वास वो लोग करते हैं, आस्था उनकी सच्ची है, पर वो ये भी विश्वास करते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में एकदम से नहीं जाते, मरने के बाद हमें एक हमारी आत्मा को साफ करने वाली जगह एक होती है जहां पे हम जाते हैं, जहां पे आग है. वो नरक वाली आग नहीं है, लेकिन वो आत्माओं को शुद्ध करने वाली आग है. उस स्थान पे वो विश्वास करते हैं कि हमारी आत्मा वहां जाती है, फिर हमारे प्रियजन, कलीसिया के लोग, हमारे परिवार के लोग, फिर वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर परमेश्वर उनको उस शुद्ध करने वाले स्थान में उनकी आत्मा को शुद्ध करके जो कुछ भी गंदगी शैतान दुनिया में थी वो सारी गंदगी उनके अंदर से वहां उस स्थान पर से साफ हो जाती है, और फिर वो स्वर्ग में प्रवेश कर लेते हैं. बहुत लोग इस तरह विश्वास करते हैं. बहुत लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मरने के बाद, खास तौर पे एक और विशेष समुदाय के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि बरजाख नाम की एक जगह है जहां पर हमारी आत्माएं जाकर केवल आराम करती हैं, विश्राम करती हैं, और न्याय के दिन जब यीशु वापस आएगा या जब न्याय होगा, न्याय के दिन हमारी आत्माएं, हम फिर से जीवित हो जाएंगे और फिर हमारा न्याय होगा. वो ये विश्वास करते कि हम मरने के बाद ना स्वर्ग जाते ना नरक जाते, हम एक जगह पर हम एक आराम करते हैं. इस प्रकार अलग अलग तरह के हर धर्म में हर समुदाय के लोग हैं जो कुछ ना कुछ विश्वास करते हैं मरने के बाद क्या होता है इसको लेकर के. कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो किसी बात पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं ना हमें पता है ना हम परवाह करते हैं. ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो जिनको कहते हैं हमें पता ही नहीं तो हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा. ऐसे भी लोग हैं कि जो सोचते नहीं हैं, जो केवल इस दुनिया को इन्जॉय करना चाहते हैं, इस दुनिया में अपना जीवन ठीक ठाक जीना चाहते हैं. बाद में क्या होगा किसको पता, किसी को तो नहीं पता, इसलिए वो सोचते हैं हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं. लेकिन कुछ ना कुछ ख्याल हर व्यक्ति के, हर इंसान के अंदर मरने के बाद क्या होगा इसको लेके कुछ ना कुछ वो इंसान तो सोचता है. बाइबल भी हमें स्पष्ट रूप से बताती है मरने के बाद क्या होगा. और पौलुस जब इस कलीसिया को पत्री लिखता है वो इस विषय पर सिखाता है. मैं चाहता हूं कि आप सब पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 11वां पद देखें. 11वें पद में वो क्या, सॉरी 13वें पद में वो क्या कहता है. परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित हैं. लिखा है हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि उनके विषय में जो मृत्यु में सो गए हैं, उनके बारे में हमारे प्रियजन लोग जो मृत्यु में जो लोग सो गए हैं, जो मसीह में जो मर चुके हैं, जो इस धरती पर अब जीवित नहीं है, उनके बारे में बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि हम नहीं चाहते कि आपको पता ना हो. हम आपको बताना चाहते हैं. पौलुस कहता है आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रियजन जो प्रभु में है जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका क्या होता है. तुम शोक करो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे कलीसिया के लोग जो अब तुम्हारे साथ नहीं है लेकिन जो प्रभु में थे वो कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, ये तुमको पता होना चाहिए. और पौलुस इस विषय के बारे में सिखाना चाहता है. क्यों पौलुस एकदम से उनको सिखाना चाहता है? आप सबको मैंने बताया था ये कलीसिया, सब सुन रहे हैं ध्यान से, ये कलीसिया जिसको पौलुस पत्री लिख रहा है ना, ये कलीसिया पौलुस ने स्थापित की थी. वो वहां पर ज्यादा लंबे समय तक उनको शिक्षा दे नहीं पाया, इसलिए वो मरने के बारे में शिक्षा दे नहीं पाया. उसके बाद उसको शहर छोड़ के जाना पड़ा. कलीसिया काफी आगे बढ़ रही है, प्रेम में, विश्वास में, आशा में कलीसिया अच्छा कर रही है, लेकिन पौलुस को चिंता हो रही है मेरे चर्च के लोग कैसे हैं. तो वो क्या करता है, वो जा नहीं पाता, अपने चेले को भेजता है. उसका नाम क्या है, बोलो बोलो, क्या नाम है, बोलो जोर से बोलो, तिमोथियस. तिमोथियस नाम के अपने असिस्टेंट को, अपने चेले को बोलता है कि देख मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, तू जा और थेसलोनिका की कलीसिया के बारे में हाल चाल देख करके आ, वो कलीसिया के लोग विश्वास में बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं. तो आप सबको पता है तिमोथियस जाता है और क्या पता लगाता है, कलीसिया टूट चुकी या कलीसिया मजबूत हो गई. कलीसिया बहुत मजबूत हो गई है. पौलुस कहता है तुम लोग तो आदर्श बन चुके हो, तुम विश्व प्रेम में आदर्श बन चुके हो, विश्वास में आदर्श बन चुके हो, तुम लोग आशा में यीशु मसीह के इंतजार करने में तुम आदर्श बन चुके हो, बिकम अ मॉडल चर्च, वो ऐसे उनको बोलता है. पर अगर आपको याद होगा 3:10 पद में उसने कहा था मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं और जो कुछ तुम नहीं जानते उसको मैं तुमको सिखाना चाहता हूं. इसलिए जब पौलुस वापस आया, जब तिमोथियस कलीसिया में ट्रिप लगाकर जब वापस गया तो उसने बोला कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं. पर उसने कहा कलीसिया काफ़ी अच्छी है लेकिन लोगों ने, जो कलीसिया के लोग थे ना, उनको ये नहीं मालूम था कि जो हमारे चर्च के लोग या हमारे परिवार के लोग जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो मर गए, उनका क्या होगा. अब सुनो ध्यान से, उस जमाने में क्या था, जब कलीसिया नई नई थी ना, तो कलीसिया ये विश्वास करती थी, उस जमाने की कलीसिया, जब कलीसिया जस्ट शुरू हुई थी, जब यीशु स्वर्ग में उठा ही लिए गए थे, उसके कुछ एक सालों के बाद की बात है, लोग ऐसा विश्वास करते थे कि ठीक है यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमने उसे ग्रहण कर लिया. पर वो ये सोचते थे कि यीशु वापस आएगा. क्या वो गलत सोचते थे, सही सोचते थे? पर एक गड़बड़ थी, वो ये सोचते थे कि यीशु उनके जीते जी आ जाएगा. वो ये सोचते थे कि यीशु उन्हीं के जीवन काल के अंदर अंदर वापस आ जाएगा. क्या हुआ, उन्होंने विश्वास किया, 2 बीत गए, 3 बीत गए, इसीलिए ना उनको था कि यीशु तो कभी वापस आ जाएगा. इसलिए कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी जमीनें बेच के चर्च में दान कर रहे थे, अपना उनको कोई मतलब दुनिया से था ही नहीं. उनको क्या विश्वास था, यीशु आएगा. उनको था कि यीशु अभी आ जाएगा, कुछ एक दो सालों के अंदर अंदर यीशु आ जाएगा. लेकिन क्या हुआ, समय बीतता गया और यीशु वापस नहीं आया. इस और
उस समय क्या हुआ, यीशु तो वापस नहीं आया, विश्वास उनका है कि यीशु आएगा और हमको ले जाएगा, लेकिन उसी दौरान उनके घर के लोग धीरे धीरे मरने लगे, जीवन उनका खत्म होने लगा। तो उनको डर लगने लगा कि जब यीशु वापस आएगा हमें ले जाएगा, बट उनका क्या जो हमसे पहले मर गए। वो डरते थे, उनके अंदर इस बात के बारे में सवाल था कि उनका क्या होगा अब, जो हमारे घर के लोग जो मर चुके, जब प्रभु वापस आएगा तो वो तो बेचारे रह गए, उनको तो प्रभु लेके जाएगा नहीं, वो तो मर चुके। इसलिए उन्होंने तिमोथियस के द्वारा पौलुस को पूछा, हमें सिखाओ इस विषय पर। तो पौलुस अपनी पत्री में उनके मन में जो सवाल था उसके बारे में उनको सिखाता है। इसलिए वो कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम इसके बारे में अज्ञान रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रियजन जब मर जाएंगे, धरती का जीवन जब खत्म हो जाएगा, उनके साथ क्या होगा, हम तुमको बताना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल जो है ना, ये हमें स्पष्ट बताती है, जिस प्रकार हमारे देश में बहुत से लोग विश्वास करते हैं, सुनो ध्यान से, शायद यहां इस कमरे में बैठा कोई आदमी होगा जो यही विश्वास करता है कि हम वापस पुनर्जन्म लेके इस दुनिया में आएंगे। बहुत से लोग विश्वास करते हैं नया रूप लेकर के वापस इस दुनिया में आ जाएंगे, जैसे बहुत से लोग विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, हमें बार बार इस धरती पर हम नहीं आते हैं। जो पवित्र बाइबल है, हम देखेंगे पवित्र बाइबल, या वन मोर, बाइबल पुनर्जन्म नहीं सिखाती। एक बार हमने जन्म लिया, फिर दोबारा हमारा जन्म इस धरती पर नहीं होता है। हम बहुत से लोग विश्वास करते तो हैं किसी और रूप में आ जाएंगे, पर हम नहीं आएंगे। पवित्र बाइबल में इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं 27 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने ठहरा दिया है एक बार मनुष्य धरती पर आएगा और फिर उसका मृत्यु हो जाएगी, फिर उसका न्याय होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब सुनो ध्यान से, बाइबल पुनरुत्थान सिखाती है, पुनर्जन्म नहीं सिखाती। समझ में आ गया? बाइबल क्या सिखाती है? पुनरुत्थान सिखाती है, पुनर्जन्म नहीं सिखाती। पुनर्जन्म मतलब ये जन्म खत्म और एक नया जन्म लेके फिर से धरती पर हम आएंगे, फिर वो जन्म खत्म, फिर दोबारा एक रूप लेकर के धरती में दोबारा से आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। लेकिन क्या बाइबल पुनर्जन्म सिखाती है? क्या पुनर्जन्म नाम की कोई चीज है? नहीं है। बाइबल फिर क्या सिखाती है? पुनरुत्थान सिखाती है। पुनरुत्थान मतलब हम जीवित हैं, फिर हम मर गए, और फिर जो मसीह में है वो दोबारा जीवित हो गए। हालेलुया। बाइबल पुनरुत्थान सिखाती है, दोबारा जीवित होना सिखाती है। हम दोबारा से जीवित किए जाएंगे, लेकिन दोबारा से जन्म लेकर धरती पर हम नहीं आएंगे। एक ही बार, सारे बोलो, एक ही जीवन है। इनफैक्ट बाइबल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि तुम उनके बारे में अज्ञान मत रहो, जो लोग, क्या शब्द लिखा हुआ है, मरते हैं या सोते हैं? क्या पढ़ा था हमने? जो लोग सोते हैं। ये हमारे लिए मृत्यु क्या है? सोने के बराबर है। कितने लोग थे जो कल रात सोए थे? लक्ष्मी आप क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा, आप आ जाया करो ना गोपाल, कहाँ थे आप कल? ड्यूटी में थे। अच्छा, लेकिन कितने लोग सोए थे, हाथ उठाएं? अच्छा, जब आप सोए थे आपका नाम क्या था? आपका नाम क्या था जब आप सोए थे? राम। आप जब उठे तो आपका नाम क्या था? राम थे। हम जब सोते हैं, जब हम सोने के बाद दोबारा जगते हैं, क्या हम बदल जाते हैं? क्या हम नई शक्ल लेके दोबारा उठते हैं? बताइए। थोड़ी सी गंदी शक्ल होती है, वो धोनी पड़ती, वो अलग बात है, लेकिन शक्ल तो वही है, आदमी तो वही है, हाँ के ना? उसी प्रकार मृत्यु है। मृत्यु में जब हम मर जाते हैं तो वो नींद के बराबर है, हम जब उठेंगे तो हम वही व्यक्ति होंगे। आप सब सोच के देखो कि जो आपकी जो पहचान है ना, जैसे जॉय, अनंत काल के लिए जॉय कहलाएगा। आप पिंकी हैं, अनंत काल के लिए, सदा सदा के लिए आपका नाम क्या रहेगा? पिंकी रहेगा। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो आप जो हैं, वो बहुत यूनिक हैं, सदा सदा के लिए आप वही रहने वाले हैं, बदल नहीं जाएंगे। इसलिए हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, हमारा क्या होता है? पुनरुत्थान। सारे बोलो, हमारा क्या नहीं होता और क्या होता है? पुनरुत्थान, हम जीवित किए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब हमारे परिवारों में
जब किसी की मृत्यु होती है, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है. कितने लोग विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं अनंत जीवन दिया. जब अनंत जीवन दिया है तो फिर रोना क्यों? जब अनंत जीवन प्रभु ने दिया है तो फिर रोना क्यों? जब लाजरस की मृत्यु हुई थी, यीशु मसीह को मालूम था कि वो लाजरस को जीवित करने वाला है, पर कब्र के बाहर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह रोया. जब हमारे परिजनों की मृत्यु हो जाती है तो दुख मनाना या रोना या शोकित होना गलत नहीं है. हम रो सकते हैं जब हमारे परिजन हमारे बीच में नहीं रहते हैं. दुख मनाना ये एक इंसानी भावना है. हम जिंदगी में बहुत खुशियां हमको मिलती हैं, लेकिन हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है. हमारे हर, आपको पता है मेरी दादी, मैं जब मेरी शादी के बाद हम रोज़, मैं और मेरी पत्नी हर रोज़ डेली हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारी दादी को लंबा लंबा जीवन देना, हमारी दादी को स्वस्थ रखना. हम चाहते हैं हमारी दादी हमारे बच्चों को देखे, हमारे बच्चों को आशीष दे के जाए. हम ये प्रार्थना करते हैं, पर हमें हर रोज़ डर लगता है इस बात का. ठीक है, डर मतलब खोने का जो डर है वो मनुष्य के अंदर होता है, ये भावना है. कुछ दिन पहले मेरी दादी बैठी थी और उसको पता भी नहीं था, और मैं दूर से उनकी फोटो खींच रहा था. मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, इस स्त्री ने मेरे पिता को जन्म दिया और मेरे पिता के द्वारा मैं इस धरती पे आया. हम कुछ भी करने को तैयार हैं अपनी दादी के लिए, लेकिन एक दिन आएगा जब अपनी दादी को हमें खोना पड़ेगा. कुछ दिन पहले मेरी दादी बाहर धूप में बैठी थी और मेरे दादी का बिस्तर मैंने देखा, और बिस्तर ठीक से लगा हुआ था, और मुझे ध्यान आया एक दिन आएगा. मेरी दादी प्रभु को जानती है, खुदा का धन्यवाद हो, लेकिन वो दिन आएगा जब दादी जीवित नहीं रहेगी. एक दिन वो चली जाएगी और वो बिस्तर खाली रहेगा. ये मृत्यु एक सच्चाई है. आप सब जानते हैं कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, और सपना के प्रेग्नेंट होने के एक महीना पहले सपना की छोटी बहन प्रेग्नेंट हुई, और हम बहुत खुश हुए. प्रभु ने हमारे परिवार में खुशी दी, और हम उसके तो उसका नाम पूजा है. पूजा प्रेग्नेंट हुई और उसके एक महीने के बाद सपना प्रेग्नेंट हुई, और तब से पूजा और सपना दोनों हर रोज़ बात करते थे अपने प्रेग्नेंसी के बारे में. कैसे खा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर रोज़ उनकी बातें होती थी. मैं भी उनसे बराबर बात करता था, और हम सोचते थे कि जब उनकी डिलीवरी होगी तो पूजा की डिलीवरी होगी, उसके बाद सपना की डिलीवरी होगी, तो किस प्रकार हम मैनेज करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो एक ही हैं, उनको वहाँ भी देखना है, उनको इधर भी देखना है. बहुत प्लानिंग कर रहे थे कैसे क्या करेंगे. जब मैं 10 दिन पहले जब मैं इंदौर गया, किसी और खुशी के मौके पर गया था, और वो जिस काम के लिए गया वो काम हो नहीं पाया, लेकिन तब से पूजा को बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो गया. तीसरे महीने के अंत या चौथे महीने में उसको खून बहना शुरू हो गया. हमें लगा कि बच्चा चला गया. हमने 12 घंटे हमें लगा कि बच्चा नहीं रहा. हम डॉक्टर को शाम को लेके गए तो पता चला बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है. हमने बहुत प्रभु का धन्यवाद किया, बच्चा ठीक ठाक है, पर पूजा को लगातार खून बहता रहा. हम उसको छोटे हॉस्पिटल से लेके डॉक्टर ने हाथ उठा दिए, फिर हम बड़े हॉस्पिटल उसको लेकर के गए, वहाँ पर उसको रखा. 3 दिन वो वहाँ पे रही, फिर वापस आई घर में, फिर खून बहना शुरू हुआ. और परसों रात को उसको हॉस्पिटल जब लेके गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तो परसों रात को जब लेके गए तो 2 घंटे के अंदर अंदर 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, और दोनों बार बच्चा सुरक्षित था. हमें लगा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बस तू पूजा को संभाल प्रभु, और उसकी जो ब्लीडिंग है, जो खून है, वो रुक जाए. जब दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था, उसके 10 मिनट के बाद पूजा ने अपना बच्चा खो दिया, और बच्चा नहीं रहा, और बच्चा बाहर आ गया, और पूजा ऑफ कोर्स पूरा परिवार हम सब शोक में आ गए. मैं कल फिर शाम को जा रहा हूँ क्योंकि पूरा परिवार शोक में है. 4 महीने उसने उस बच्चे के साथ एक संबंध बनाया था, उस बच्चे के बारे में सपने देखे थे, लेकिन वो बच्चा 4 महीने के बाद चला गया. दुख है. कल काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी कल रात को पूजा से बात हुई, तो मैंने पूजा को ऐसे बोला, मैंने बोला पूजा बेटा सुनो इस बात को ध्यान से, और मैंने कहा तुम इस बच्चे को अब उसके पूरे रूप में तुम देख भी नहीं पाई, बट मैंने कहा पूजा हम जब प्रभु वापस आएगा और जब हम प्रभु से मुलाकात करेंगे, हम तुम्हारे बच्चे को
सचमुच में हूबहू देखेंगे। हालेलुया। लेकिन दुख मनाना, अभी के लिए वो रो रही थी, बिलख बिलख के रो रही थी, हम रो रहे थे। हमारे परिवार में शोक का माहौल है। शोक मनाना गलत नहीं है, लेकिन शोक के अंदर एक आशा जो प्रभु हमें देता है वो केवल विश्वासियों को दी जाती है। हालेलुया। केवल विश्वासी लोगों के पास आशा है। हमारे पास एक उमंग है, हमारे पास एक आशा है, हमारे पास बाइबल के वादे हैं, हमारे पास बाइबल के प्रोमिसेस हैं, हमारे पास है बाइबल का सत्य, हम जानते हैं स्वर्ग का सत्य, हम जानते हैं परमेश्वर का सत्य, हम जानते हैं वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम शोक तो मनाते हैं, पर हमारे शोक में एक आशा है। इसीलिए जैसे पौलुस कहता है कि तुम अनजान ना रहो उनके बारे में जो मर गए, ऐसा ना हो कि तुम औरों की तरह शोक करो जिनको कोई आशा नहीं है। इसलिए आज हमने अब तक क्या सीखा है, पुनर्जन्म नहीं होता, क्या होता है, पुनरुत्थान होता है। और हमने क्या सीखा, शोक मनाना गलत नहीं है, पर शोक के अंदर विश्वासी लोगों के पास क्या है, आशा है। क्या है, आशा है। हालेलुया। वो आशा क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, पढ़े हैं सब लोग। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, हालेलुया, यीशु मरा और जी भी उठा, यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो क्या होगा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ वापस ले आएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में जो प्रियजन लोग हैं, पता है, हर साल बपतिस्मा का दिन मेरे लिए एक दुख का दिन होता है। आप बोलेंगे बपतिस्मा का दिन दुख का दिन, आज सुबह उठते साथ मैंने रचना को मैंने याद किया जिसको हमने 4 साल पहले बपतिस्मा दिया। रचना नहीं है इस दुनिया में अब, रचना की मृत्यु बीमारी के हालातों में हुई और उसके परिवार ने विश्वास से कदम पीछे हटा लिया था, लेकिन उसके मृत्यु होने के पहले जब उसके घर में हम गए, जब पता चला कि वो बड़ी बीमार है, वो उत्तर प्रदेश में थी, अपने ससुराल में थी, तो मुझे पता चला कि वो मन ही मन उसका विश्वास और उसकी आस्था प्रभु यीशु पर ही है। उस दिन मुझे आशा मिली, प्रभु सचमुच तेरा धन्यवाद हो, चाहे जो भी हो ये बेटी अपने मन में तुझे ही मानती है अब भी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत दुख हुआ, लेकिन हम आशा करते हैं। हमारी कलीसिया में हम जानते हैं हमारी बुआ जी, हर साल जब कैंप होता है, चर्च कैंप भी हम मेरे लिए बहुत दुख का समय होता है, क्योंकि चर्च कैंप के दिनों में अंतिम दिन जब हम चर्च कैंप से वापस आए और लगभग 3 बजे हमें बुआ जी की मृत्यु की हमें खबर मिली, चर्च कैंप के साथ एक बड़ी दुख वाली याद जुड़ी हुई है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। पर हम ये जानते हैं कि बुआ हमसे पहले प्रभु का चेहरा देख चुकी है, और जब हमारा यीशु वापस आएगा हमारी बुआ महिमान्वित रूप में वो भी वापस आएगी। हम देखेंगे हमारी बुआ को, हम देखेंगे, मैं देखूंगा मेरे पिता को जो यीशु को प्यार करते थे, मैं देखूंगा मेरे दादा को जो यीशु मसीह को प्यार करता है, आप देखेंगे आपके परिवार के वो लोग जो प्रभु में होके मरे हैं, अब वो सदा के लिए आपकी आंखों से ओझल नहीं हुए, कुछ समय के लिए आप उनको देख नहीं सकते, परंतु जब यीशु मसीह वापस आएगा उनके चेहरे को आप देखोगे और हमारे प्रियजनों को आप देखोगे। बाइबल सिखाती, क्योंकि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, क्योंकि यीशु मरा और जी भी उठा, ये यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की वजह से हुआ है कि हम भी मरेंगे और पुनरुत्थान को भी देखेंगे, क्योंकि यीशु मरा और जी भी उठा, इसीलिए हमारे प्रियजन या हम जब मर जाएंगे हम दोबारा जीवित भी किए जाएंगे। कि वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। इसलिए जब यीशु वापस आएगा तो क्या होगा, यीशु के वापस आने पर सब मृतक मसीही और जीवित मसीही एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे और फिर हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। जब यीशु वापस आएगा, मैं आप लोगों से सवाल पूछ जाता हूं, आप सब लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच यीशु मसीह जो परमेश्वर है सचमुच मनुष्य का रूप लेकर के शारीरिक रूप में वो धरती पे आया, क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि सत्य में सचमुच प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने शरीर के साथ मरा गया, क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से वो 3 दिन तक दफनाया गया रहा, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सचमुच महिमान्वित, महिमा से भरे हुए महिमान्वित शरीर के साथ वो दोबारा जीवित हो गया,
आप विश्व आपको एज अ विश्वासी आप आपको ये आपके विश्वास का बड़ा सत्य है, एक बेसिक बात है कि यीशु मसीह अपने महिमान्वित शरीर के साथ वो स्वर्ग में उठा लिया गया, और ये भी कि यीशु मसीह अपने महिमान्वित शरीर के साथ वापस आने वाला है। और जब यीशु वापस आएगा तो बाइबल बताती है, हम जानते हैं कि वो दूतों और संतों के साथ आएगा। कौन होगा उसके साथ? दूतों के साथ और संतों के साथ। अब बताओ ये दूत कौन है? दूत कौन है? स्वर्ग दूत, फरिश्ते। दूत कौन है? कहां रहते हैं वो लोग? स्वर्ग में। स्वर्ग दूत हैं। दूत और संतों के साथ आएगा। ये संत कौन है? विश्वासी लोग। हालेलुया। तो यीशु मसीह दूतों और संतों के साथ आएगा। दूत होंगे, संत होंगे। दूत स्वर्ग दूत, संत कौन? वो विश्वासी लोग जो हमसे पहले प्रभु के पास चले गए, उनके साथ यीशु वापस आएगा। और यह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से हुआ है। इसलिए 18 वचन देखो, सारे 4:18 वचन देखो क्या लिखा है। बाय द वे ये कैसे होगा, 15 पढ़ लेते हैं ताकि पूरा वचन हम देख लें। 15 वचन देखो सब लोग, पढ़िए सोनू। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे, इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बाइबल बताती है जब प्रभु वापस आएगा तो बहुत बड़ी आवाज होगी, बहुत बड़ा एक आवाज, बहुत बड़ा यंत्र एक बजाया जाएगा, बहुत बड़ी आवाज होगी। इसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग से जब प्रभु वापस स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मर चुके हैं वो क्या हो जाएंगे? वो जीवित जी उठेंगे। लिखा है तब जो हम जीवित रहेंगे, अगर प्रभु हमारे जीते जी हो गया तो ऐसा होगा कि अगर हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सब लोग मिलके पढ़ें क्या होने वाला है, पढ़ें। यीशु के वापस आने पर सब मृतक मसीही और जीवित मसीही एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे और फिर हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं वो वापस आएंगे? अब विश्वास करते हैं कि हमारे प्रियजन जिनको हम खो चुके हैं वो यीशु के साथ वापस आएंगे? पर सवाल उठता है कि ऐसा कब होगा, ये कब होगा? अब ये थेसलोनिका के लोग जो थे, कलीसिया के लोग थे, इन्होंने क्या बोला तिमोथियस को, क्या बोला? भैया हमारे तो घर के लोग धीरे धीरे करके टपकते जा रहे हैं, आपके यीशु तो आए नहीं, कब आएंगे यीशु? उन्होंने पौलुस से यही सवाल पूछा, कब आएंगे यीशु? आज हम भी पूछ रहे हैं, 2000 साल हो गए, कब आएंगे यीशु? 2019 साल हो गए, कब यीशु वापस आएंगे? कब हमारे प्रियजनों से हम मिलेंगे? ऐसा कब होगा? जब यीशु स्वर्ग में जस्ट जाने ही वाले थे उस टाइम भी चेलों ने पूछा, प्रभु आप बता तो रहे हो ऐसा होगा, ये बताओ कब होगा? पता प्रभु ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 1:9 में लिखा है, खोलने की जरूरत नहीं, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, वो समय और वो दिन जो परमपिता परमात्मा ने ठहरा दिया है तुम्हारे जानने का विषय नहीं है, ये उसका अधिकार है। लेकिन सवाल है व्हेन विल दिस हैपन, ये कब होगा? और इसका उत्तर ये है कि ये हमारे जानने का विषय नहीं है। कैन यू हेल्प मी? ये हमारे जानने का विषय नहीं है। यीशु वापस कब आएंगे, इसका उत्तर कोई अगर आपसे पूछे यीशु वापस कब आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? ये हमारे जानने का विषय नहीं है। 5:1 देखें, 1 और 2 सब लोग पढ़ें, 5:1 और 2। अब हे भाइयों, हाँ? इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए। हाँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। अब इधर देखो सारे, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि पौलुस को खुद ही नहीं पता।
पौलुस क्या बोलता है, मैं कैसे लिखूं मुझे भी नहीं पता. लेकिन वो ये सिखाना, बाइबल हमें ये सिखाती है, हमारे जानने का विषय नहीं है यीशु कब आएगा. हमारे जानने का विषय क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. क्योंकि आप ठीक ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है. कितने लोगों के घरों में आज तक चोरी हुई है, कितने दुखी लोग बैठे हैं इधर. जब आपकी आपके घर में चोरी हुई थी, कितने बजे चोरी हुई थी? दोपहर को 3 बजे. तो आपको 1 बजे दोपहर ने व्हाट्सएप, दोपहर में चोर ने व्हाट्सएप किया था कि मैं आने वाला हूं? क्या चोर बता के आता है? तो यीशु कैसे आएगा? कैसे आएगा यीशु मसीह? चोर के समान आएगा. जैसे चोर बता के नहीं आता, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बता के नहीं आएगा, मैं आने वाला हूं, इस तारीख को मैं आने वाला हूं. हमारे गुड़गांव में एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, उसके पास्टर ने किताब लिखी. उनका चेला यहां मुझे देने आया, हमारे चर्च में किताब देने आया, और तारीख थी 5 मई, और कोई 2000 आने 25-26 कोई साल था. 5 मई को यीशु आने वाला है. और इस प्रकार 2000 सालों में बहुत से लोगों ने गलती करी है तारीख निकाल के. बाइबल की 2-4 या बहुत सारे अंकों को जोड़ेंगे और एक आधी तारीख निकाल देंगे, इस तारीख को यीशु आने वाला है. एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने तारीख निकाली, लोगों ने विश्वास कर लिया, वो तारीख निकल गई, लोगों को लगा हे हम तो रह गए, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली. कभी भी विश्वास नहीं करना. YouTube पर हजारों वीडियो आपको मिलेगी, यीशु इस तारीख को आने वाला है, कभी विश्वास नहीं करना. बाइबल क्या सिखाती है हमें, बताओ मुझे, बाइबल क्या सिखाती है? ये हमारे जानने का विषय नहीं है. बाइबल में पढ़ा अभी, पौलुस कहता है हम तुम्हें नहीं लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये तुम्हारे जानने का विषय नहीं है. हम इतना जानते हैं कि क्या होने वाला है. आप बताओ क्या होने वाला है? यीशु आने वाला है. उसके उस समय जो हम अगर मर जाएंगे तो यीशु के साथ हम भी वापस आएंगे. ये हम जानते हैं कि कब होने वाला है. दूसरी बात, ये हम जानते हैं कि क्या होने, कैसे होने वाला है. बताओ कैसे होने वाला है? किसके समान? चोर के समान. हम जानते हैं कि क्या होगा, हम जानते हैं कि कैसे होगा, पर हम ये नहीं जानते कि वो कब होगा. और ये हमारे जानने का विषय नहीं है. पर जब हम जानते हैं कि कुछ होने वाला है, हमारी जिम्मेदारी है हम उसके लिए तैयारी करें. अगर हमको पता है हमारी रात को 11 बजे ट्रेन है, तो मुझे बताओ आप कितने बजे तक अपनी, अगर मान लो दिल्ली से आपकी ट्रेन है, आप कितने बजे अपने घर से निकलेंगे? हाँ, 9:30 है, 10 बजे हम निकल, 11 बजे अगर ट्रेन है तो मैं तो 9 बजे निकल जाऊंगा. निकल जाएंगे कि नहीं? अगर हमको मालूम है 11 बजे ट्रेन मेरी चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे? घर से 9 बजे निकल जाएंगे. और तैयारी कब करेंगे? 6 बजे तक अपने कपड़े अपड़े बांध के हम तैयार हो जाएंगे. हमें मालूम है हमारी ट्रेन निकल जाएगी तो हम तैयारी करते हैं. हमें केवल ये नहीं पता कि हम कब चले जाएंगे या प्रभु कब आ जाएगा, पर हम जानते हैं कि या तो हम चले जाएंगे या वो आ जाएगा. क्या उसकी तैयारी हम कर रहे हैं? पता, बुद्धिमान व्यक्ति, ध्यान से सुनना, बुद्धिमान व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीता है? बुद्धिमान व्यक्ति अपना जीवन अपनी मृत्यु की तैयारी करके जीता है. अपने मृत्यु की तैयारी करके वो जीता है. उसको नहीं पता वो कब चला जाए, इसलिए वो अपनी आत्मा को पहले, आत्मा का इंश्योरेंस पहले करता है. हम लोग अपने मरने के लिए अपने इंश्योरेंस करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे परिजनों का क्या होगा, लेकिन बुद्धिमान आदमी क्या करता है? अपनी आत्मा की पहले चिंता करता है. पहले मैं यीशु को ग्रहण कर लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब चले जाऊं, लेकिन यीशु को ग्रहण करने पर मैं जानता हूं कि चाहे वो आ जाए या मैं चले जाऊं, मैं सदा के लिए प्रभु के साथ रहूंगा. क्या आप तैयारी कर रहे हो? तारीख तो नहीं पता और ना ही आपको पता चलेगी, बट क्या आप विश्वास करते हो यीशु आएगा? और अगर विश्वास करते हो तो क्या आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो? तैयारी कर ली है अपनी मृत्यु के लिए? विश्वास कर लिया है प्रभु यीशु मसीह पर? ग्रहण कर लिया, तौबा कर ली है, पश्चाताप कर लिया है, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में? ये है जो बुद्धिमान आदमी करता है. इसलिए हम अब क्या करें? हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, अब हम क्या करें? हमें क्या करना है? पौलुस इसका जवाब देता है. मैं चाहता हूं कि आप सब 5 का 6 पढ़ें.
हम दूसरों के समान ये दूसरे कौन है इधर बताओ देख के दूसरे कौन है जो प्रभु को नहीं जानते हम उनके समान सोते ना रहे अज्ञान में अंधकार में ना रहे पर क्या करें सजग और सतर्क रहें अब ध्यान से देखें मेरी तरफ और सुने हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए उसका उत्तर यहां पे है हमें नहीं नहीं बैक हमें जागते रहना है और होश में रहना है इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि वी मस्ट बी अवेक अवेक मतलब जागना और सोबर मतलब होश में रहना बहुत बार हमें जो लोग शराब पीते हैं उनसे बात करनी पड़ती है जब पता चलता है कि वो लोग शराब पिए हुए हैं हम उनको क्या बोलते हैं अभी आपसे हम बात नहीं करेंगे जो बंदा शराब के प्रभाव में होता है वो अकल की बातें नहीं कर सकता हम कब बात करेंगे जब तू होश में होगा ये संभव है विश्वासी लोग सो जाएं ये संभव है कि हम अपना जीवन ढीला ढाला जिए और हैं तो मसीही लेकिन हम जगे हुए नहीं हैं यह संभव है कि हम प्रभु में बिल्कुल ढीले ढाले सुस्त हो जाएं केयरलेस हो जाएं अपने आत्मिक जीवन की चिंता ना करें इसलिए पौलुस सिखाना चाहता है कलीसिया को और आज पौलुस इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे सिखाता है मसीही जीवन में जागते रहो और क्या करो होश में रहो ये संभव हो सकता है कि हम लोग अपना जीवन मुझे मिला के हम अपना जीवन ऐसे जिए कि हमें होश ही नहीं है क्या हो रहा है बपतिस्मा का सर्टिफिकेट है चर्च की मेंबरशिप है चर्च के हम लीडर भी हैं सब कुछ है सेवादार हैं चर्च के मेंबर हैं 12 साल से चर्च में आ रहे हैं पर हम होश में नहीं है ये संभव है और इसी बातों में वो हमें सतर्क कर रहा है यीशु वापस आने वाला है कब आएगा नहीं मालूम बट आएगा जरूर तुम तब तक क्या करो वो कहता है कि तुम जागते रहो सजग रहो सतर्क रहो सावधान रहो यीशु ने तो ऐसे भी कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिर जाओ क्या आप सब और मैं क्या हम गंभीर हैं अपने आत्मिक जीवन को लेके अब सवाल उठता है कि कैसे हम होश में रहें क्या करना पड़ेगा होश में रहने के लिए पौलुस इसका एक बड़ा खूबसूरत अर्थ बताता है होश में रहने का मतलब जागते हुए रहने का मतलब पौलुस यहां पे सिखाता है जो वो हमें 5:8 में सिखाता है सब लोग अपनी बाइबल में देखें 5:8 परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं हाँ हम दिन के लोग हैं दिन का मतलब रोशनी पौलुस ना इसके पहले 6:7-8 में ऐसे ऐसे बताता है कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो अंधकार के लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं वो दिन के लोग हैं मतलब रोशनी के लोग हैं क्योंकि हम दिन के लोग हैं हम रोशनी के लोग हैं बताइए फिर विश्वास प्रेम का कवच उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें सामने देखें सब लोग यीशु वापस आने वाला है तो हमें क्या करना है गो बैक जब यीशु वापस आने वाला है तो हमें क्या करना है पढ़ो सारे हमें जागते रहना है और होश में रहना है कैसे क्या जागने का मतलब क्या है घर जाके 11 बज रहे हैं और सर हमारा गिर रहा है नींद के मारे लेकिन जागते रहो तो इसलिए चलो क्या नाम है आपका अनीता चलो चाय बनाओ जागते रहेंगे हम यीशु आने वाला है और सोएंगे नहीं अपने घरों से बिस्तर निकाल दो और रात को मसीही लोग नहीं सोएंगे ये मतलब क्या मतलब जागने का मतलब होश में रहने का मतलब क्या है इसकी जो परिभाषा जो पौलुस सिखाता है वो क्या कहता है तीन चीजें हैं जो जागने का मतलब है होश में रहने का मतलब है वो चीज क्या है पहली चीज क्या कहता है विश्वास में बने रहो विश्वास में मजबूत रहो आज मैंने इन जो बपतिस्मा ले रहे हैं उनको मैंने समझाया बपतिस्मा ले रहे हो ना अभी आने वाले दिनों में विश्वास परखा जाएगा आज तो पानी के अंदर ठंडे ठंडे पानी में हम डूबेंगे तो अच्छा लगेगा लेकिन आग में विश्वास ताया जाता है बपतिस्मा पानी में लिया जाता है लेकिन जो विश्वास की आप आज घोषणा कर रहे हो ना उसको टेस्ट आग में किया जाएगा मतलब जीवन के संघर्षों में किया जाएगा जीवन के दुखों तकलीफों में किया जाएगा जब बीमारी आपके घर में आएगी जब शैतान आपको परेशान करने के लिए कुछ भी करेगा तब आपका विश्वास परखा जाएगा यह है जागने का मतलब तीन चीजें करो पहला विश्वास में मजबूत रहो विश्वास में बने रहो दूसरा कस के प्रेम करो एक्टिवली प्रेम करो दूसरों को दर्द के साथ प्रेम करो कुर्बानी के साथ प्रेम करो त्याग के साथ प्रेम करो बलिदान के साथ प्रेम करो समय देकर प्रेम करो और तीसरी चीज है हमारे उद्धार का आश्वासन लेके जियो
समय कम है लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि पौलुस अपनी पत्री पहला अध्याय तीसरे पद में तीन चीजों का वर्णन करता है, विश्वास, प्रेम और आशा। और अपनी पत्री खत्म करने के समय वो तीन बातों से खत्म करता है, विश्वास, प्रेम और आशा। मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन यही है कि विश्वास, यीशु मसीह पे विश्वास, मसीही लोगों से प्रेम और यीशु के वापस आने की आशा, कामना और अपने उद्धार का आश्वासन। हालेलुया, यही है मसीही जीवन। कहां से आएगा ये आश्वासन, ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? इसका उत्तर 9 और 10 में मिलता है। देख लीजिए कहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लुक एट 9 एंड 10। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, आप जानते हो, इधर देखो सारे, आप जानते हो कि प्रभु का पाप के ऊपर क्रोध है, जानते हैं आप? प्रभु पाप से नफरत करता है और वो लोग जो पाप में पड़े हुए हैं, जिनके पाप क्षमा नहीं है, उनके ऊपर प्रभु का क्रोध आएगा, प्रभु का न्याय आएगा। लेकिन क्या लिखा है, हम जा क्योंकि परमेश्वर ने हमें, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो सब लोग, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम क्रोध की संतान अब नहीं रहे, हम प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाने वाले लोग हैं। 10 पढ़ें, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे हम जागते हों चाहे सोते हों, यहां उसका मतलब है चाहे हम जीवित हों चाहे मर चुके हों, ठीक है, इस कारण हम एक दूसरे सॉरी वह हमारे लिए इस कारण मरा कि चाहे हम जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं, जीवित रहें। खत्म करते हैं। मसीही जीवन तीन चीजों से बना है। पहली चीज क्या है? दूसरा प्रेम। तीसरा उद्धार का आश्वासन और यीशु के वापस आने की आशा। शॉर्ट में कह सकते हैं हमारा विश्वास, प्रेम और आशा। ये आशा कहां से मिलती है? सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। और जो सवाल मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, वो अंतिम सवाल यही है, क्या आप इस यीशु को जानते हैं? क्या आप इस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं? वो यीशु जो हमारे लिए मर चुका, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु को? यीशु मसीह कहीं कि सिर्फ आपके लिए एक नया धर्म तो नहीं है? क्योंकि प्रभु धर्म स्थापित करने नहीं आया, प्रभु हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध जोड़ने आया, प्रभु हमें अपने बेटा और बेटी बनाने आया, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने आया, प्रभु हमें अनंत जीवन मुफ्त में देने के लिए आया, प्रभु हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए आया। क्या इस यीशु को आप जानते हैं? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि आप सोचें, यीशु आपके जीवन में है कि नहीं? यीशु कौन है आपके लिए? क्या आप यीशु के वापस आने का इंतजार करते हैं? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए।